हेलो गाइस यार, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आप बिना ग्रीन स्क्रीन के बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो अपनी वीडियोस का। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ये कोई मैंने ग्रीन स्क्रीन से नहीं किया, ये मैंने कैसे किया है वही आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये नहीं कि आपके पास ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए। जी हाँ, आप बिना ग्रीन स्क्रीन भी आप अपनी वीडियोज़ का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। वो कैसे, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लेना। अब बात करते हैं यार, ये चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सिंपली आपको ये चेंज करने के लिए आपको करना तो कुछ भी नहीं होता, बस आपको जो बैकग्राउंड है वो आपको किसी एक कलर का रखना होता है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपका अगर बैकग्राउंड ब्लू है तो आप ब्लू रखिए, रेड है तो आप रेड ही रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो है ये ब्लू है, तो ये जो ब्लू है ये मतलब कि एक है पूरा, मतलब ये जो कपड़ा हिस्सा है ये जो मतलब एक कलर का है, इसमें कोई रेड कलर नहीं है ना कि इसमें येलो है। जी हाँ गाइस, इसमें मतलब कि केवल एक कलर है। तो ऐसे ही आपको रखना है, जैसे रेड है आपके पास तो रेड रखना है, येलो है तो येलो रखना। और एक चीज का बस ध्यान रखना, वो ध्यान क्या है कि आपका जिस कलर का ये जो पीछे बैकग्राउंड होता है इस कलर आपके कोई मतलब कि कपड़ा आप ना पहने हो। जैसे कि ये ब्लू है तो अगर मैं ब्लू पहनूंगा तो ये चीज़ चेंज नहीं होगा। जी हाँ गाइस, बस आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है जो आप पीछे लगाए हो, और यही चीज़ आपको इस जो कपड़े आप पहने हो इसमें ना होना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और बाकी आप चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर काइन मास्टर, वहाँ पर आपको चल के बताते हैं कि काइन मास्टर से आपको कैसे चेंज करना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो पीछे कपड़ा होता है ये आपके शरीर के कपड़े से मैच ना करे। और काइन मास्टर का आपके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काइन मास्टर की वीडियो के लिंक दिए, तो उसको देख कर आप काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, यहाँ पे आपको 16:9 वाला रेशियो लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडिया पे जाना है, और जो सा आपको बैकग्राउंड लगाना है ना वो सा आपको बैकग्राउंड ले लेना है। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना होगा। इतना काम होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ पे आपको वो सी वीडियो ले लेना है जो सी आप शूट करना करके रखे हो, ठीक है। तो ये जो सी आपको मतलब वीडियो में लगाना हो, तो जैसे कि मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपको करना क्या रहेगा, सिंपली आपको जो सा मतलब वीडियो में बैकग्राउंड लगाना है वो बैकग्राउंड आप ले लेना, ठीक है, पीछे की साइड। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से लगा लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो का भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल ही यार आप लोगों को पता ही होगा, इसको इनेबल कर देना। और आप देख सकते हैं मतलब कि इसमें केवल क्या है ना, ग्रीन स्क्रीन नहीं, आपको पास एक कलर का कपड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लगा दिया। अब आप इसको क्रोमा की को अभी आपको एडजस्ट करना होगा, जो कि आप अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा एडजस्ट आप देख सकते हैं इससे हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आप इसको अच्छे तरह से यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ से आपको खूब अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा। और आप देख सकते हैं ना, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एक कलर का कपड़ा होना चाहिए बस, और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। एक कलर का कपड़ा होगा तो आप भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, जो कि ग्रीन स्क्रीन आप लोग सोचते होंगे केवल ग्रीन स्क्रीन से ही होता होगा, ग्रीन स्क्रीन से होता होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस यार, वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।